भावना, एक बात बताओ, जब हम छोटे हुआ करते थे और स्कूल से हमारी वेकेशंस होती थी, समर वेकेशंस, तो कितना मज़ा आता था ना। बिल्कुल सिमरन, मुझे तो बहुत मज़ा आता था। और तुम्हें पता है उन छुट्टियों में मैं क्या करती थी? मैं कोई ना कोई एक्टिविटी क्लास ज्वाइन कर लेती थी या फिर मैं कोई समर कैंप ज्वाइन कर लेती थी, और उसमें मुझे इतना कुछ खास और इंटरेस्टिंग सीखने को मिलता था, मुझे मज़े आ जाते थे। अरे भावना, ये तो बहुत ही खास बात है। और क्या तुम जानती हो कि आजकल के जो समर कैंप्स होते हैं उसमें बच्चों को ना केवल उनकी पसंदीदा गेम्स के बारे में बताया जाता है, बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए बहुत से विषयों पर भी उनकी समझ बनाई जाती है। तो चलिए जानते हैं कि आज साइंस युवाओं के बीच, बच्चों के बीच किस तरीके से पॉपुलर हो रही है। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय दिल्ली में स्थित है और ये भारत का प्रमुख विज्ञान संग्रहालय है। ये संग्रहालय भारतीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उनके डेवलपमेंट स्टेजेस को संजोए रखने का कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य जनसाधारण को विज्ञान के रोचक और अद्भुत पहलुओं के साथ अवगत कराना है। इस संग्रहालय में बच्चों और किशोरों को भौतिक विज्ञान, जैविक विज्ञान, गणित, खगोल और अन्य विज्ञान क्षेत्रों के बारे में समर कैंप के दौरान शिक्षा प्रदान की जाती है। नमस्कार, मैं दिनेश मलिक, सीनियर एजुकेशन ऑफिसर, नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली। हमारे यहाँ का समर वेकेशन कैंप सबसे मोस्ट वांटेड इवेंट है, जिसका पेरेंट शुरू से ही इंतज़ार, साल शुरू होते ही इंतज़ार करना चालू कर देते हैं। हर साल हम लोग साइंटिफिक टॉय मेकिंग, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, वंडर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक, और इस साल हमने कुछ नए कैंप्स भी चालू किए, AI, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ऐप डेवलपमेंट, जो कि बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं और बच्चे बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं। काफ़ी कुछ बच्चों को सीखने को मिलता है। हम लोग साइंस देखते हैं, आजकल बच्चों को यहाँ पे प्रैक्टिकली आके करने का मौका मिलता है। यहाँ पे उनकी क्रिएटिविटी डेवलप होती है, बिकॉज वो अपने हाथ से जब चीज़ों को बनाते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। उनके फेस की जो स्माइल है, वही हमारा एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है। समर कैंप के दौरान बच्चों और युवाओं में वैज्ञानिक टेम्परामेंट का विकास महत्वपूर्ण है, जो उनकी दुनिया की समझ और जिज्ञासा करने की क्षमता को आकार देने में मदद करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम पे एक गेम चेंजर है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बच्चों को हेल्प कर रहा है स्टडीज में, एजुकेशन में, उनके नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए, जिसमें वो रोबोट्स बनाना सीखते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उनको काफ़ी हेल्प होती है स्टडीज़ करने के लिए। जब उनको कुछ सवाल के जवाब नहीं मिलते हैं तो वो गूगल कर सकते हैं और AI के रोबोट्स की हेल्प लेके वो अपने आंसर्स ढूंढ सकते हैं। कुछ बच्चों ने आज के टाइम पे अपने खुद के चैटबॉट्स भी बनाए हैं, जो कि हेल्प करते हैं कस्टमर्स को उनके रिस्पॉन्स या फीडबैक देने के लिए। और AI जो है आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है, ताकि नई नई चीज़ों को, नई नई टेक्नोलॉजी को लाया जा सके, और AI इन सब चीज़ों में हेल्प कर रहा है आज के टाइम। माय नेम इज शार्वी, आई एम इन साइंस सेंटर हॉबी कैंप साइंटिफिक टॉय मेकिंग। टुडे आई हैव मेड इल्यूमिनेटिव टनल इन विच देयर आर टू मिरर्स विच आर रिफ्लेक्टिंग ईच अदर्स पिक्चर, making infinity pictures. My name is Prabhav and I am in Delhi hobby camp for in scientific toy making. Today I am making illuminated mirror. इस समर कैंप में प्रतिभागियों को हाथों से किए गए प्रयोगों और गतिविधियों को करने का मौका दिया जाता है।
उन्हें देखने, सवाल पूछने, कार्य करने और अपने नतीजों का विश्लेषण करने का मौका दिया जाता है।